नमस्कार, मैं अदिति फौजर, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी न्यूज। साल 2024 के आईसीसी टी20 विश्व कप का दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट फैंस में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब आईसीसी ने टी20 विश्व कप के शेड्यूल की घोषणा भी कर दी। वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 की शुरुआत 1 जून से होगी। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। टी20 विश्व कप नए फॉर्मेट में खेला जाएगा। कुल 20 टीमों को 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। टी20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज के मुकाबले 1 जून से 18 जून तक खेला जाएगा। पहला मैच यूएस और कनाडा के बीच होगा। सुपर 8 स्टेज के मैच 19 जून से लेकर 24 जून तक खेले जाएंगे। आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में कुल 55 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच 1 जून 2024 को अमेरिका और कनाडा के बीच खेला जाएगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ 5 जून को न्यूयॉर्क में खेलेंगे। इसके बाद इसी मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ 9 जून को मुकाबला खेला जाएगा। न्यूयॉर्क में भी 12 जून को टीम इंडिया यूएस के खिलाफ आमने सामने होगी। भारत ग्रुप स्टेज में अपना आखिरी मैच 15 जून को कनाडा के खिलाफ फ्लोरिडा में खेलेगी। सभी मैच भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे शुरू हो जाएंगे। भारत को ग्रुप ए में रखा गया है। इस ग्रुप में भारत के अलावा पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा और आयरलैंड है। ग्रुप बी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड है। ग्रुप सी में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान है और ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नागालैंड एंड नेपाल है। हर ग्रुप के टॉप 2 टीमों को सुपर 8 के क्वालिफाई करनी होगी। सुपर 8 राउंड में 4-4 टीमों को 2-2 ग्रुप में बांटा जाएगा। दोनों ग्रुप में टॉप 2-2 टीमों को सेमीफाइनल में रखा जाएगा और 26 जून को पहला सेमीफाइनल यूयाना में खेला जाएगा। 27 जून को दूसरा सेमीफाइनल टिरंडा में खेला जाएगा। 19 जून को फाइनल होगा जो बारबाडोस में खेला जाएगा। ऐसी और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।